तो हे व्हाट्सअप गाइस, यार आ चुके हैं और नई वीडियो के साथ। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम सेरफ का गेम प्ले करने वाले हैं और मेरे को काफ़ी टाइम हो गया सेरफ का गेम प्ले किए हुए। तो आज इसीलिए सेरफ का गेम प्ले करने वाले हैं और इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है आपके जब आप सेरफ से खेलोगे। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आपको जो वीडियो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेगी। और साथ ही यार, और कुछ लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलते रहते हैं कि यार अपनी क्लैन आईडी दो। तो भाई यहाँ पर मैं आपको अपनी क्लैन आईडी शो कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो 394394। तो ये मेरी क्लैन आईडी, आप वहाँ पर मेरे को रिक्वेस्ट भेजो तो वहाँ पे मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा और आप मेरी क्लैन के अंदर ऐड हो जाओगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 22 बंदे ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है। और यार साथ ही यार, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन यार आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हो। यार बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप ही के लिए वीडियो बनाई जाती है लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। यार इतना सा टाइम लगता है आपको, तो यार वो सब्सक्राइब जरूर किया करो और एक लाइक भी कर दिया करो अपने भाई के लिए, ताकि यार थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो मैच तो यार सबसे पहले हम अपना जो यूज़ करने वाले रोबोट्स वो करने वाले गोथिक स्मार्ट्स, क्योंकि यार देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जब भी आप वॉर रोबोट गेम खेल रहे हो और आपके पास सेरफ है भाई, तो ठीक है सेरफ अगर आपके पास अच्छा खासा भी अपग्रेड है तो आप उसको स्टार्टिंग में यूज़ मत करें, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप उसको यूज़ करोगे तो यार आप पहले में निपट जाओगे, मतलब जल्दी निपट जाओगे, ठीक है। इसलिए आप अपना कोई पावरफुल जो रोबोट है उसको यूज़ करो, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना गोथिक स्मार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और गोथिक स्मार्ट बहुत ही पावरफुल है, एकदम से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बोल सकते हैं। और रोबोट है अपने जितने भी बंदे हैं उनको मारने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। और देखो यहाँ पे इसका डैमेज भी बहुत तगड़ा है और साथ में इसकी बिल्ड, और भाई इसका जो यहाँ पे आप देख एच पी देखो आप इसकी 2 लाख के प्लस है, ये MK3 तक अपग्रेड है और साथ इसकी शील्ड भी वो 1 लाख के समथिंग है, तो काफ़ी अच्छा इसका वो है। और अनलिमिटेड शील्ड है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे आप यूज़ करोगे अपना कोई भी सेरफ रोबोट स्टार्टिंग में, तो भाई आप सेरफ को स्टार्टिंग में यूज़ ना करें, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी निपट जाता है। जब तक वो हवा में रहेगा तब तक ही आप उससे अच्छी फाइट कर सकते हो। देखो यहाँ पे अभी एक सामने की तरफ एक बंदा आ रहा है, तो यहाँ पर भाई कितनी इसकी एच पी मैंने खा ली और यहाँ पर देखो भाई इसको किल कर दिया है। तो यहाँ पर अपने 2 किल हो चुके हैं, डबल किल कर दिया है, तो बंदे ने काफ़ी अच्छी कोशिश की थी। तो यहाँ पे ये बॉल वाला बंदा, स्काईरोस वाला बंदा भाई यहाँ पे मेरे को डैमेज देने के लिए आ गया और साथ ही मेरे को साइड से भी पड़ रहा है भाई डैमेज, यार काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है। देखो बंदा कहाँ से मार रहा है मेरे को। तो यहाँ पे देखो एचपी फिर से मैंने यहाँ पे अपनी कम्प्लीट की है, क्योंकि बहुत एचपी डाउन हो गई थी और शील्ड भी बिल्कुल ब्रेक थी, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि चांसेस मरने के ज़्यादा हैं। लेकिन स्काईरोस वाले बंदों को मैं कोशिश करूँगा मारने की, क्योंकि बंदा मेरे बंदों को यहाँ पे पीछे की तरफ से जाके डैमेज देगा और उनको मारने की कोशिश करेगा, तो इसको पहले से निपटाते हैं। तो यहाँ पे अब देखो अपने 3 किल हो चुके, ट्रिपल किल हो चुका है। तो इसलिए भाई मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास गोथिक स्मार्ट्स है तो स्टार्टिंग में गोथिक स्मार्ट्स को यूज़ करो, या फिर अगर स्कॉर्पियन है तो स्कॉर्पियन को यूज़ करो, ठीक है। लेकिन सेरफ को स्टार्टिंग में यूज़ करना भाई मेरे लिए तो देखो बेवकूफ़ी जैसा है, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ मतलब उसका जो है स्टार्टिंग में कर नहीं पाएगा वो। लेकिन भाई लास्ट में आप देखना, जब सब लोग अपने टाइटन यूज़ करेंगे तो आप देखना भाई उस टाइम पे उसका बवाल डाल देता है वो। देखो अभी मेरा एक बंदा है जो वो यूज़ कर रहा है, अगर उसके 6 वेपन्स है तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में मर ही जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप स्टार्टिंग में यूज़ करोगे तो आपके चांसेस मरने के बहुत ज़्यादा रहते हैं, और आपकी ज़रूरत होती है सेरफ को लास्ट में यूज़ करने की। जब सब अपने टाइटन निकाल लेते हैं तब आप यूज़ करना, तो डैमेज आप देखना कितना तगड़ा डैमेज पड़ता है टाइटन को, ठीक है। टाइटन के लिए वो एकदम से एक जहर का काम करता है, ठीक है। तो भाई जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आई एस आप समझ गए होंगे। तो अभी देखो ये बंदा भी लास्ट में सेरफ यूज़ कर रहा है, ठीक है, मेरे को काफ़ी डैमेज दे रहा है, वेपन काफ़ी अच्छे हैं इसको इसके पास, ठीक है। लेकिन भाई जैसे ये हवा में से नीचे आएगा ना, तो भाई ये एक चींटी के समान हो जाएगा। देखो अभी आप तो देखो इसके पास डबल शील्ड थी लेकिन इसकी एच पी कितनी चली गई एकदम से, ठीक है। और देखो मैं इसको इतना डैमेज दे रहा हूँ और ये बार बार बच रहा है हाइड करके अपने आप को। लेकिन अभी देखना आप, ये बंदा गया, अभी देखो ये सेरफ वाला बंदा था, कितने टाइम लगा इसको मारने में, क्योंकि इसकी शील्ड यार और इसने इतना कुछ कर रखा था जिसमें कि तब भी ये दिपट गया। अभी ये वाला बंदे को देखते हैं, इसको मारते हैं। तो यहाँ पे भाई इसने बंदे को अपने को पीट दिया है और इसके पास भी यार पावरफुल शील्ड है, लेकिन भाई यहाँ पर इसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि गोथिक स्मार्ट बहुत ही पावरफुल है भाई। और इसका गेम प्ले भी मैंने बहुत सारे डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर आपको और भी इसके गेम प्ले देखने हैं गोथिक स्मार्ट के
तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको इसके बहुत सारे जो गेम प्ले वो मैंने डाले हुए वो आप वहाँ से देख सकते हो और कुछ सीख सकते हो, और अच्छा खासा बिल्ड भी मैंने उसमें बताया हुआ है कैसे बना सकते हो बेस्ट। तो यहाँ पे देखो ये वाला बंदा भाई, मेरे को लगता है मार दिया भाई इसने, तो लगता नहीं मार ही दिया, ठीक है। तो अब यूज़ करेंगे हम अपना सेरफ, क्योंकि उनके पास अगले वाले बंदों के पास टाइटन आ चुके हैं। देखिए जैसे कि ये टाइटन है तो इसको दे डैमेज देते हैं, देखो कितना डैमेज पड़ता है भाई इसका, कितना डैमेज पड़ता है। ये बंदा लूचाडोर था, लेकिन लूचाडोर को तो आपको पता है कितनी शील्ड होती है, कितनी सॉरी एचपी होती है, लेकिन फिर भी भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डैमेज दिया। अब मैं यहाँ पे इस वाले बंदे के साथ ही रहूँगा, अपने जो टाइटन वाला बंदा इसी के साथ रहूँगा, क्योंकि अगर मैं किसी भी लोकल बंदे के पास गया तो भाई मैं निपट जाऊँगा, क्योंकि एचपी मेरी भले ही 2 लाख हो, क्योंकि MK2 तक तो अपग्रेड है शायद ये, और लेकिन फिर भी भाई इतना ज़्यादा डैमेज पड़ता है इसका तो ये निपट ही जाता है। लेकिन अभी देखो भाई जब तक ये हवा में है ना कितना पावरफुल है, कोई कितना भी डैमेज दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हवा में जब तक रहेगा तब तक बहुत पावरफुल है। साथ इसके यार जो वेपन है ना मेरे पास ये वाले, ये अभी फुल अपग्रेड नहीं है यार, ठीक है, ये MK2 तक भी अपग्रेड नहीं है, इसलिए जो डैमेज है वो थोड़ा कम पड़ रहा है, मेरे को थोड़ा कवर रह के ही खेलना पड़ेगा अपने टाइटन बंदों के साथ में। तो सामने भी एक शेयर है, फिर देखो यार बंदा कितना डैमेज दे रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी को मारूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि ये अपने टाइटन को यहाँ पे नुकसान पहुँचा सकता है स्टार्टिंग में ही, तो इसको मारने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, आगे की तरफ चलता हूँ। तो सामने वाला जो सेरफ वाला बंदा है उसकी भी एचपी बहुत कम हो चुकी है और यहाँ पे ऑलमोस्ट मरने वाला है, तो मेरे को एक कनेक्ट करने की ज़रूरत है सिर्फ, और यहाँ पे ये किल मिल गया मेरे को। तो अभी यहाँ पे जो बैकन है उसको भी यहाँ कैप्चर कर लेता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा हमें बेनिफिट मिले। तो आगे की तरफ भी एक टाइटन वाला बंदा है, यहाँ पे मेरे वेपन लॉक कर दिए गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम जाएंगे यहाँ से वापस से फ्लाई करके और बंदों की हेल्प करेंगे। तो सामने की तरफ जो बंदा अभी हवा में हाइड करके, यही टाइटन वाले बंदे को मैं एक बार मारने की कोशिश करता हूँ, और डैमेज देखना आप इसका कितना पड़ता है। देखो यहाँ पे अभी डैमेज कितना पड़ रहा है, साथ ही मेरा बंदा भी डैमेज दे रहा और मैं भी। तो ये टाइटन वाला बंदा था जो कि मारना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन भाई इसके साथ अगर आप जैसे कि अपने कुछ बंदे हैं, जैसे टाइटन वाला बंदा ये अच्छा खेल रहा है, इसके पास वेपन भी पूरे अच्छे खासे हैं, अपग्रेड है, अगर आप अपने बंदे के साथ खेलोगे सेरफ के साथ, तो भाई आपकी जो पावर है 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना जब भी आप लास्ट में इसको यूज़ करोगे, सबसे पहले तो आपको इसको लास्ट में यूज़ करना जब टाइटन यूज़ करते हैं सब लोग, सबसे पहली टिप्स तो यही आपके लिए। और सेकंड चीज़, जब आपका कोई टाइटन वाला बंदा जो अच्छा खेल रहा है उसके साथ रहकर आपको खेलना है, ताकि उसको भी आप थोड़ा हेल्प कर सको और वो आपको कर सके, ठीक है। तो जैसे कि आप देखो अभी डबल किल हो चुका है, कैसा किल मिला एकदम से मेरे को एक ही सिंगल शॉट में, तो उसके साथ रह के खेलना है आपको, ताकि वो भी आपका बंदा डैमेज दे टाइटन वालों को और आप भी। तो भाई अगर आप इतना ज़्यादा तरीके से खेलोगे तो आपका मतलब हारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे आपके हर बार गेम जीतने के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिया है और डैमेज, और लेकिन अभी भी ये बंदा रीट की तरह बचा हुआ है, और इसकी एचपी देखो कितनी चली गई है। स्काइरोज मेरे पास भी है, और स्काइरोज का भी मैं जल्द ही कोई गेम प्ले डालूंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आप स्काइरोज की अच्छी बिल्ड बना के उससे खेल सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला गेम तो हम जीत चुके हैं, यहाँ पे हमने अच्छा खासा गेम प्ले किया है और खेले हैं, और साथ ही इसके साथ आप देख सकते हो यहाँ पे मैं किल भी चेक कर लेता हूँ अभी कितने किल हुए, 8 किल हमारे हुए, जिसमें से गोथिक स्मार्स और सेरफ ही मैंने यूज़ किया था। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यार थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।